सर्जन सिटी सेंटर नंबर 57 से बात कर रही हूँ। अभी तो मेरी ड्यूटी नहीं है क्योंकि ये ड्यूटी मैंने खुद नवीन के थ्रू चेयरमैन को रिक्वेस्ट करके छोड़ दिए, क्योंकि इस ड्यूटी में मेरे लिए बहुत से मसाइल कंट्रोलर वकार ने क्रिएट किए हैं। बात असल में ये है कि इस साल पर मैंने पिछली बार भी ड्यूटी की थी, उससे पहले भी मैंने की थी, और ये ड्यूटी ये लोगों ने खुद मुझे लगा के दी थी। तो ये ड्यूटी जब मेरी लग गई, इंग्लिश का पेपर आउट हुआ इन लोगों का वकार, जब मैं फर्स्ट टाइम का पेपर सबमिट कर रही थी बैंक में, तो वकार बैंक में बैठा हुआ था और उसके साथ एक और बंदा था। तो वकार कौन है? ये कंट्रोलर है, क्वाड बोर्ड का कंट्रोलर है। इसने मुझे कहा कि तुमने पेपर इतना देर से क्यों आई। मैंने कहा कि मैं स्कूल से बैंक तक मैं पैदल आती जाती हूँ, मेरे साथ कोई वो मतलब ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है। तो इसने कहा कि चलो हम, मैंने कहा सर मैं जा सकती हूँ, तो इसने कहा नहीं हम स्कूल आते हैं। स्कूल जब ये आया तो सेकंड टाइम का पेपर था, स्कूल बिल्कुल खाली था, मैं अकेली थी, तो एक और बंदा था इसके साथ। इसने मुझे कहा कि आपकी बाकायदे प्लान के तहत, इसको पता था कि मेरी बेटी एक और एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हो रही है, तो इसने मुझे कहा कि आपकी तो बेटी भी वेस्ट में एग्जाम दे रही। मैंने कहा हाँ वो एग्जाम दे रही है, तो आपने ये ड्यूटी क्यों लगाई। मैंने कहा आप लोगों ने मुझे लगा के दी है। फिर इसने कहा कि आपकी ड्यूटी बार बार इधर क्यों लगती है। मैंने कहा आप लोग मुझे लगा के देते हैं, मैंने छीन के तो नहीं लिया आप लोगों से ये ड्यूटी। तो इसने कहा कि मुझे अलग कमरे में बुलाया और मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि इंग्लिश का पेपर आउट हो चुका है और इसका ऊपर से हम पर बहुत बोझ है, तो इस तरह करो कि हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, तुम ये एग्ज़ाम अपने सर पे ले लो। मैंने कहा कि कैसे ले लूँ, मैं ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, मैं तो थ्रू आउट सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी करती आ रही हूँ और मुझे पता है कि 5 मिनट भी अगर पेपर पहले आउट हो जाए तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, तो फिर 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आउट करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा तो बस यही जरिया है। इसने कहा कि नहीं बस हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, आप इस तरह करो कि बस ये इल्ज़ाम तुम अपने सर पे ले लो, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हम आपको बाद में मतलब बोर्ड में हम बात रफा दफा कर लेंगे, तुम बस इस तरह करो कि इस बात को तुम रफा दफा कर लो। हम मतलब इंग्लिश की जो पेपर आउट हुई थी उसमें बोर्ड इंतजामिया और कंट्रोलर उसमें मुलविस है, सब मुलविस थे, लेकिन मुझे इन लोगों ने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया है और मेरे सर पे आके सब लोग बैठ गए हैं। ये मालूम नहीं कर सकती ये पेपर कहाँ से आउट हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये पेपर लोग खुद आउट करते हैं जाते जाते, ये एक अमीर आदमी खुद को बनाना चाहता है कंट्रोलर। तो जब इसने मुझे अलग कमरे में बुलाया नॉर्मल तौर पर, तो मैंने इनकार किया कि नहीं मैं सर नहीं कर सकती, मैं ऐसी टीचर नहीं हूँ कि मैं सीनियर टीचर हूँ, मुझे सब पता है और हालात भी बहुत सख्त है, ये इल्ज़ाम अपने सर पर मैं नहीं ले सकती। लेकिन इसने कहा कि अगर तुम ये एग्ज़ाम अपने सर पे नहीं लेते तो आपकी बेटी को मैं रिस्टिकेट कर दूंगा, वो 3 साल तक एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकेगी, आपकी नौकरी चली जाएगी, आप बदनाम हो जाओगी, FIA वालों को मैं बुला लूँगा, पुलिस वालों को मैं बुला लूँगा, फिर वो आपको मारेंगे, जेल जाओगी, बहुत बड़ी बदनामी होगी आपकी, तो इस तरह करो कि बस हम वादा, मैं आपके साथ वादा करती हूँ कि तुम बस इस बात को मतलब एक मनगढ़ंत कहानी बना के हमें छोड़ा लो, फिर हम आपको बोर्ड में बात रफा दफा करके छोड़ा लेंगे। जब मैंने किया तो मैंने इस पर इतिमाद किया कि चलो ठीक है, ये बस ताकतवर लोग हैं, इसको मसला है। नेक्स्ट डे फिर सेकंड टाइम के पेपर में 2 और बंदों को साथ लेके ये डायरेक्ट स्कूल में दाखिल हुआ। ना इन्होंने मुझे कोई अथॉरिटी लेटर शुरू की, ना इनके पास कोई नोटिस इसने मुझे किया। तो उन 2 बंदों ने मुझे कहा कि आप पर ये एग्ज़ाम है, आपने ये स्टेटमेंट, हाँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसने जो मुझसे ली, तो उसे जब बयान इसने सेट किया तो इसने मुझे एक साफ कागज़ दी कि अब ये ले लो रिटर्न फॉर्म में, इसको तो मतलब लिख लो। और जब मैंने वो सब कुछ लिख लिया तो इसने मुझे कहा कि अब ये थंब लगा लो इधर, अब ये थंब लगा लो, अब अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखो, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लो, सब कुछ इसने किया और मुझसे लिया। नेक्स्ट टाइम दूसरा भी सेकंड टाइम का पेपर था, तो जब इसको पता चल गया कि पेपर मैंने मतलब इसको इसने तो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया, ये तो इल्ज़ाम है ना,
लेकिन अवाम के सामने तो ये क्लियर हो गया ना कि मैंने पेपर खोल दिया है। बोर्ड वालों के सामने तो ये क्लियर हो गया ना कि मैंने पेपर किया है, तो इसने मुझे उस वक्त रिलीव क्यों नहीं किया। मेरी ड्यूटी कंटिन्यू थी। नेक्स्ट टाइम 19 तारीख को, आई थिंक 19 तारीख को PS पार्ट वन का पेपर था। फिर सेकेंड टाइम में वो आए तो वो बंदे, मुझे पता नहीं था कि वो कौन थे, वो अपने साथ लेके आए थे। तो एक ने कहा कि मैं जंदाद खान प्रिंसिपल ऑफ वो एबटाबाद बोर्ड का हूँ, तुमने ये स्टेटमेंट दी। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ली, मैंने इसके दबाव में आके सब कुछ किया है, मैं नहीं मानती, मैंने किया ही नहीं है। जब मुझे पता है मैंने नहीं किया, मैं क्यों मान लूँ। तो उन लोगों ने मुझे कहा ना कि ये तुम गलती कर रही हो, तुम इस तरह करो कि ये पहला वाला स्टेटमेंट जो तुमने दिया है, दूसरे स्टेटमेंट भी तुम इसी तरह दो, फिर आपका मसला हल हो जाएगा। जब इन लोगों, मैंने साफ इनकार किया कि मैंने कुछ नहीं देना है, बस मैंने जो किया है बस वो किया है, वो दबाव में आके मैंने किया है। नेक्स्ट मैं देखूंगा, इसने तो मैं जबरदस्ती करके मुझ पे दबाव डाल के मुझसे सब कुछ लिखवा लिया, अब साबित करना इसका काम है। तो उसने कहा कि उसने भी मुझे साफ पेज दिया, ना कोई प्रोफार्मा था, ना इसमें कोई क्वेश्चन थे, साफ पेज दिया मुझे कि बस तुम इस पे लिख लो, लेकिन इस तरह करो कि तुम गलती मत करो। मेरे बाप की बात तो कही, मतलब है कि ये जो पेपर आउट हो रहे हैं, और खसूसन इंग्लिश का पेपर जो आउट होता है, उसमें इंतजामिया, बोर्ड इंतजामिया, खसूसन कंट्रोलर वकार जिसका नाम है, वो मतलब ऐसा है। आप ये बताएं कि ये जो रोजमर्रा के पेपर आउट होते हैं वो किस तरीके से आउट होते हैं और कैसे आउट होते हैं? अगर ये मुलविस ना होता तो ये मुझसे पैसों का सौदा ना करते। इसने मुझे पैसों का डिमांड किया है, तो इसका मतलब है पैसे इसने खुद लिए हैं और मुझे भी लालच देकर मतलब खरीदने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन मैंने इनकार किया। फिर इसने मेरी इज्जत पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन अपनी इज्जत पर हमला करने से पहले मैंने बस इसके साथ मान लिया कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन आप मुझे टच ना करें, मेरी बेटी को आप नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट कमिंग डे, वो भी सेकेंड दिन बिल्कुल स्कूल खाली था। इसने रेजिडेंट इंस्पेक्टर को बुलाया, उसने अपने स्टेटमेंट कलर बंद किए, उसने कहा कि पेपर का जो पैकेट होता है वो 15 मिनट मतलब 9 बजे से पहले हमारे स्कूल में एंड होता है, 5 मिनट या 2 मिनट बाद, 9 के बाद हम पेपर खोलते हैं, और बकायदा उस पे मैं साइन करके चिक करके मैं हम वो पेपर खोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस मैडम ने पेपर आउट नहीं किया है। बैंक वालों ने भी यही स्टेटमेंट दी है। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि मैंने बैंक के अमले के साथ ये काम किया है। बैंक वालों से भी आप लोग पूछ लें, उधर भी जाके आप पूछ लें, रेजिडेंट इंस्पेक्टर के पास भी आप लोग जाके पूछ सकते हैं। जिन लोगों को मेरे साथ इन लोगों ने मुलविस किया है, वहाँ जाके आप लोग अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। और मेरी दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त में जिन मतलब हुकामे बाला, वज़ीर तलीम, मशीर तलीम, वज़ीर आज़म, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इंक्वायरी फिर से अरेंज करके, और इसमें बोर्ड का कोई भी अमला ना हो। अभी जो इन लोगों ने 3 रुकनी कमेटी अरेंज की है, पहले जो बंदे आए थे वो भी इनके थे, अब जो इन लोगों ने 3 रुकनी कमेटी अरेंज की है, वो एक डीहान बोर्ड का कंट्रोलर है, एक स्वात का कंट्रोलर है, एक आई थिंक पेशावर का है। तो जाहिर बात है कि वो भी कंट्रोलर है बोर्ड है, और ये भी कंट्रोलर है बोर्ड है, वो तो इनको सपोर्ट करेंगे। केस टोटली मेरे खिलाफ जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें हुकामे बाला वाला एक्शन ले। ठीक, बस मेरी यही है, अगर मेरी मुझ में गलती होती तो उस दिन उन लोगों ने मुझे रिलीव क्यों नहीं किया। 18 तारीख को जब इसको पता मतलब मुझे इस तरह कन्विंस किया कि तुमने ये पेपर खोला है, ठीक है, इन लोगों ने मुझे रिलीव नहीं किया। नेक्स्ट कमिंग डे PS पार्ट फर्स्ट में भी इन लोगों ने मुझे मतलब रिलीव नहीं किया, तो इसका क्या मतलब? मतलब वो पेपर उन्होंने खुद खोला है, हाँ, आउट किया है, और आपको ब्लैकमेल करके इल्जाम, हाँ, आपके सर तोपने की कोशिश की है। ड्यूटी से तंग आकर, बार बार कंट्रोलर के आने से तंग आकर, तन्हाई में उसके मिलने से तंग आकर, मैंने खुद नवीद के थ्रू चेयरमैन को रिक्वेस्ट की कि बस मुझे ये ड्यूटी नहीं चाहिए। आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो रोज पेपर आउट होते हैं, कबल अज़ वक्त आउट होते हैं, और अपकमिंग जो पेपर्स है वो भी आउट होने के अंदेश है, तो ये कैसे होते हैं और किस नाकिस कारकर्दगी है? बोर्ड का अमला इसमें खुद शामिल है, बल्कि खुद मटेरियल दे करके इसके साथ पिक करो, इसके साथ ओपन करो। ठीक, ओके।